क्योंकि हर कहते हैं ना कि कोई भगवान तो है नहीं, सब लोग इंसान है। और जहाँ तक गेम की बात है तो मैं ब्लाइंड फुटबॉल पैरा स्पोर्ट्स में हूँ और आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सही में और पुणे गए थे हम लोग, पुणे में नेशनल चल रहा था इस बार, हमारी एक ही टीम गई थी मेन्स की, वुमेन किसी कारण से नहीं जा पाए थे क्योंकि जोनल में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो सिर्फ मेन्स की टीम गई थी और फाइनल में दिल्ली से 1-0 से आ रहे थे। हमारी मैच बहुत ज़बरदस्त था और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनको खेलते हुए देखता हूँ और अभी बहुत अच्छा खेल रहे थे। इनके दो मेंबर यहाँ पर गोल्डी पर 2016 से खेल रहा है, पार्सल एक्साइटेड है वो, तो ये कैटेगरी में आता है और आदित्य एक्साइटेड है, ये हमको एक नया मिला है और ये SCRR रेस कोर्स में पड़ता है, क्लास 12th में है। ये शेफाली रावत जो ब्लाइंड फुटबॉलर इंटरनेशनल उसका कजिन, तो ये बहुत अच्छा मिला हमको उस बार, ये बेस्ट गोलकीपर भी बनाया नेशनल का पहली बार। लेकिन जब आप देखोगे उसे, आप लोग उसे एक अलग नजरिए से देखोगे क्योंकि आपका नजरिया उसको देखने का अलग है। हम लोग उसमें क्योंकि हम लोग उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उसे खेल रहे हैं, तो हम लोग कॉम्पिटेटिव वे में देते हैं उसे। लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का नजरिया बहुत अलग होगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा क्योंकि एक बार जब भी पैरा स्पोर्ट्स में जाते हैं, एक हाथ अगर हमारे हाथ में, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हाथ में थोड़ा सा कट जाता है तो हम कई सारी एक्टिविटीज रोक देते हैं अपनी। हम बोलते हैं पानी में हाथ नहीं लगाएंगे और उसके बाद में भारी चीज नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग कर देते हैं। लेकिन जब पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं वहाँ किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता। और मैं इस बार मैं वो कभी नहीं भूल सकता और मैं बहुत घूमा हूँ, जैसे डिफेंस में भी था, बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत अच्छे से लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं वो पल कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मैंने APG में मेरे ख्याल से वेटिकन सिटी या वेटिकन के एक लड़की थी जो पैरा वो थे, पैरा पर्सन थी, वो खाना खा रही थी और हम लोग बगल में बैठे थे, मैं उससे डाइनिंग पे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर थे हम लोग और वो खाने के लिए बैठी हुई थी, अपने चिन से दोनों हाथ नहीं थे उसके, अपने चिन से चला रही थी मोबाइल, आराम से मैसेज कर रही है और मोबाइल चला रही है। और थोड़ी देर बाद उसने अपना पैर उठाया, पैर उठा के टेबल पे और अंडा छीन ले रही थी, एक्ट कर रही थी। वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो एक ऐसा था, मैं सीओ को एक्सप्लेन कर रहा था और जो उंगलियाँ चल रही थी ना उसका पैर उठे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पैर दिया हुआ, बस अलग रहता हाथ के। और हम अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कुछ गिर जाए हम उठा सकते हैं, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं ड्राई होती है पोछने से साफ हो जाते हैं, मतलब मैं हाइजीन का मत लीजिएगा इस बार, तो कई सारी चीज़ें इसलिए बोलता हूँ कि बच्चों को दिखाना चाहिए खासकर। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेटी को उनमें इन्वॉल्व, फिजिकली इन्वॉल्व रहती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी आप लोग कभी भी अगर NIPBD में आके देखना चाहें ब्लाइंड फुटबॉल, अभी तो छुट्टी पे है सारे लोग दिवाली की, 5 से हम लोग वापस आ जाएंगे और उसके बाद में हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग एक बार आते जरूर देखें उसे। और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो टीम बहुत अच्छा कर रही है, लगभग हर स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट हो या पैरा एथलेटिक्स हो या फिर ब्लाइंड फुटबॉल हो, इंटरनेशनल्स हैं और अगले साल 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है हमारे पास या हमें इंडिया में होंगे, तो कोशिश करेंगे कि शहर से जाएं तो शहर का कुछ नाम लेके आए, कोशिश इतनी करेंगे। आज बड़ा अच्छा लगता है कि जब लड़के खेल रहे होते हैं या लड़कियां खेल रही होती हैं तो जो हमारे ब्लाइंड फुटबॉल के लोग हैं या दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं कि लग रहा है कि ये देहरादून से है, उस समय बड़ी खुशी होती है कि शहर में रह के एटलीस्ट हम शहर को कुछ तो देख पा रहे हैं शहर से बाहर, उसी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी का इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र की बात
ये खड़े हो गए ना ना इससे छोटी हो मैं अच्छा ये सब यही है हां हां